ॐ तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण को कहा जाता है आचार्यानाम महाआचार्य, इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ टीचर्स। वो आदि गुरु है, यहाँ पर जो सत्प्रसंग में हम लोग उल्लेख किए थे कि काटवा से आए हुए एक वैष्णव भक्त थे जो तर्क कर रहे थे, ठाकुर उनका भूमिका निभाते हुए उनको संशोधन कर रहे हैं। ये तो गुरु का काम है, आचार्य का यही लक्षण है। आचार्य किस लिए कहा जाता है? आचरयति इति आचार्यः। आपने जीवन का आचरण से शिक्षा प्रदान करते हैं एवं बता भी देते हैं। यहाँ पर वो काटवा का वैष्णव को ठाकुर कह रहे हैं तुम्हें कॉल कॉल नहीं छाड़ो, घी जो तो कौन कांचा थके कॉल कॉल करो, तुम कल कलना छोड़ दो, घी जब तक कच्चा रहता है तब तक कल कलाया करते हैं। हम जानते हैं ये ठाकुर के एक प्रसिद्ध उदाहरण, जब खाना बनाने के समय घी का कढ़ाई में देकर तपाया जाता है, पहले जैसे कि आग में घी का उत्तप्त किया जाता है तब तक पहले कुछ आवाज़ करते हैं। ठाकुर कहते घी जब तक कच्चा रहता है तब तक कलकलाया करते हैं, कच्चा रहता है मतलब घी जब तक गर्म नहीं होता है, जब गर्म हो जाता है उसे कहा जाता है घी पक गया, अर्थात घी हैज अटेन्ड सफिशिएंट टेम्परेचर टू फ्राई अदर आइटम्स। घी से भुंजा जाता है, उसके लिए घी के एक तापमात्रा का जरूरत होता है, कच्चा घी से ठंडा घी से नहीं होगा, ठंडा घी को कच्चा घी कहलाता है। जब पक जाता है मतलब घी जब उत्तप्त हो जाता है, इट अटेन्स द रिक्विज़िट टेम्परेचर टू डू द फ्राइंग जॉब। तो उदाहरण मतलब इसका है कि जब तक हमारे ज्ञान अपरिपूर्ण रहता है तब तक हम बहुत कोलाहल करते हैं, ज्ञान जब हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तब वाणी स्तब्ध हो जाता है। तो ये ज्ञान का परिपूर्णता का लक्षण है हमारा वाणी की स्तब्धता। इसी कॉमन प्रोवर्ब में कहा जाता है एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। जब कोई पात्र में पानी भरा जाता है, प्राथमिक अवस्था में पानी भरते समय आवाज होता है, स्वाभाविक है, लेकिन जब पात्र पूर्ण भर जाता है जितना भी भरते जा रहा है उतना भी आवाज़ कम होते जाता है, जब पूर्ण भर जाते हैं तब कोई आवाज़ नहीं होता। तो स्तब्धता पूर्णता का लक्षण है। ठाकुर हमारे जीवन को पूर्णता के ओर आह्वान कर रहे हैं,
हम कैसे समझेंगे हम पूर्णता को जा रहे हैं, हमारा कल कलाना कम हो जाएगा, हमारा वाणी धीरे धीरे स्तब्ध हो जाएगा। जब ईश्वर के ओर हम जानते हैं, जानना चाहते हैं, प्रकाश करना चाहते हैं, तब आवाज होगा। लेकिन जब ईश्वर हमारे अनुभूति के स्तर में आ जाते हैं, उस समय से हमारा वाणी धीरे धीरे घट जाता है, आवाज कम हो जाता है। तो और एक उदाहरण देते हुए ठाकुर ने समझाया कि जब कोई भोजन का बंदोबस्त होता है, कहते हैं जो बीए बाड़ी ते खवा दवा है, जब कोई त्यौहार है, सबको आह्वान किया भंडारा का भोजन के समय, तो ठाकुर कहते प्राथमिक अवस्था में बहुत आवाज़ होता है, शोरगुल रहता है। तो जब स्वाभाविक होता है, जब भोजन का बंदोबस्त होता है, सब बैठते हैं, तब भी बहुत आवाज़ होता है। ठाकुर कहते हैं बड़ा रसिक थे, पूरी लाओ, सब्जी लाओ, मिठाई लाओ, चारों ओर से आँख डाक होता है, इधर दाओ उधर लो। तो जो लक्षण है ये सब पा रहे हैं। लेकिन ठाकुर कह रहे हैं जब जैसे जैसे भोजन आइटम्स परोस जा रहा है और सब खाते हुए परितृप्त होता है, तब उनको वाणी धीरे धीरे घटते जाता है, स्वाभाविक है। ठाकुर रसिकता करके कह रहे हैं जब भोजन समापन की ओर जा रहा है, तब आवाज़ और भी घट जाता है। लेकिन तब भी है, कहते हैं जब दही दिया जाता है तब बारवाना भोजन आवाज़ ख़त्म हो गया, तब सूप साफ दही का पीने का खाने का आवाज़ हो रहा है। मतलब जितने हमारा पेट भरते जा रहा है उतना भी आवाज़ घटती जा रहा है। और ठाकुर कहते हैं जब भोजन समापन हो जाता है तब बिल्कुल कोई नहीं आवाज़ होता है, एवं आखिर में जाके तब सो जाते हैं, निद्रा समाधि। वैसे ही जब हम भगवान के ओर बढ़ते रहते हैं तब हमारा जीवन से शोरगुल घटते जाता है, और जब बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं तब ना के बराबर आवाज़ हो जाता है। एवं उपलब्धि के अनुसार शब्द बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, तब हमारा वाणी का पूर्ण रूप से विराम हो जाता है। इस अवस्था को स्वामी विवेकानंद कहे हैं बोझे प्राण बोझे जार। वो अनुभूति का विषय है, अनुभूति कभी वाणी के माध्यम से प्रकाश करना संभव नहीं होता है। अनुभूति अनुभूति का माध्यम से ही वेद्य है। जो जैसे भोजन का उदाहरण दिया, जब पेट भर गया तब ऐसी ही आवाज़ कम हो गया, और उनके जो अनुभूति भर पेट का अनुभूति वो कम्युनिकेबल नहीं है। उसको कैसे होता है
जिसको भोजन नहीं मिला वो समझ नहीं पाएगा। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं वो अर्जन करने के बाद ही उसका अनुभूति होना संभव है। वाणी के माध्यम से पढ़ के सुन के एक आभास मात्र मिलता है, लेकिन अनुभूति अनुभूति का माध्यम से अनुभव किया जाता है। ठाकुर भक्तगण को अनुभूति का राज्य में आह्वान कर रहे हैं। ये जब प्राथमिक अवस्था प्रस्तुति है इसको पार करके अनुभूति का राज्य से राज्य में आह्वान करते हैं। जब रघुनाथ ने बताया, जब आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत होता है तब वो विस्मय अभिभूत हो जाता है। और विस्मय का परिभाषा दिया है अवाक विस्मय, जब हम आश्चर्य हो जाते हैं पहला चीज होता है हमारा वाणी स्तब्ध हो जाता है। हम देख के आश्चर्य हो के उनका एक लक्षण है तब वाणी बंद हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि ठाकुर कहते हैं जब कुंडलिनी शक्ति जो सर्वनिम्न तीन स्तर में रहता है लिंग गुह्य नाभि, तब तक हम विषय का अनुभूति होता है। जब कुंडलिनी शक्ति चतुर्थ चक्र है अनाथ हृदय मंदिर में जो है उसको ऊपर बढ़ते हैं तब क्या होता है, तब हमारे मन में तब तक स्तब्धता नहीं आता है। जैसे वो जो अनाहत चक्र का ओर पहुंचता है तब उनका आध्यात्मिक अनुभूति का शुरुआत हो जाता है। और उसका पहला जो अनुभूति होता है वो आश्चर्य हो जाते हैं, अभी तक ये सब तो उनको मिला नहीं, वो क्या वो सोचते हैं एक ही व्हाट इज दिस आई नेवर न्यू। और उसका पहला लक्षण है वाणी स्तब्ध हो जाएगा, ना वो प्रकाश योग्य है ना तब कुछ प्रकाश करने का इच्छा होती है। ऐसी ही जब हमारा मन स्तब्ध हो जाता है, हम कुछ अच्छा संगीत सुनते हैं, तब क्या होता है जब संगीत समय मन जब एकाग्र हो जाता है, हाउ डू एंजॉय द म्यूजिक, तब आँखें अपने आप बंद हो जाता है, वी क्लोज आवर आइज ऑटोमेटिकली एंड ऑल आवर ऑर्गन सीज टू फंक्शन। हम चुपचाप होके वो संगीत का रस उठाते हैं। वैसी सब अनुभूतियाँ में होता है, जब आनंद का अनुभव होता है तब हमारा वाणी स्तब्ध हो जाता है। ये जो ठाकुर भक्तगण का आह्वान किया कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भीतर में जो बहमान आनंद है उसको अनुभव करना, वही जीवन का लक्ष्य है। और जब तक वो अनुभूति प्राप्त नहीं होता है तब तक समझना चाहिए जीवन अधूरा रह गया। किसी को सिखाना और अपने बारे में बताना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ, ये जीवन को लक्ष्य विच्युत करते हैं। लक्ष्य को बढ़ने के लिए हमें सर्वदा ख्याल रखना चाहिए कि वाणी घटते जाएगा अनुभूति बढ़ते जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी बोले हैं उसका विस्तार करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।